सो गाइस, नाउ इट्स आवर थर्ड डे इन त्रिपुरा और आज का दिन हम लोग बिताएंगे मुख्यमंत्री जी विप्लव देव जी के साथ. अभी हम उनके रेजिडेंस की तरफ ही जा रहे हैं और लेट्स सी हाउ ही रिस्पॉन्ड्स टू अवर क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड हाउ वी थिंक अबाउट हिज न्यू गवर्नमेंट और क्या क्या वो अपने नए शहर को नए स्टेट को देने वाले हैं. उनसे जानते हैं उनका नज़रिया थोड़ी देर. फाइनली वी आर एट सी एम हाउस और यहाँ से सी एम हाउस के जाने का रास्ता है. अभी थोड़े से सिक्योरिटी के लिए हैं बिकॉज सी एम है और हमारी सिक्योरिटी का भी पूरा चेक होना है. अंदर अभी वेरिफिकेशन के लिए हमारे डिटेल्स भी हैं. उसके थोड़ी देर के बाद हम सी एम हाउस में एंट्री करेंगे और फिर जल्दी मतलब देखिए से मिलते हैं और त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे. तो आगे सारे टेक्निकल और सिक्योरिटी ग्लिचेस को कंप्लीट करते हुए ये हमारा वेटिंग रूम. थोड़ी सी देर में सीएम के पास मैसेज चला गया तो सीएम हमारे पास आते होंगे. थोड़ी देर में उनसे सारी बातें जानेंगे त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा के अपडेट्स के बारे में, त्रिपुरा के डेवलपमेंट के बारे में. पहले हम लोग कॉफ़ी का वेट कर रहे हैं और ये पटका मैंने भी पहना है बिकॉज आई लाइक इट वंस एंड इट इज गिवन बाय द सीएम. तो मुझे लगता है ये हम भी डिजर्व करते हैं. त्रिपुरा में जब घूमते हैं त्रिपुरा की निशानी, तो इसे साथ लेकर चलना चाहिए. और थोड़ी सी देर में मैं आपको त्रिपुरा के सीएम से भी मिलाता हूँ. सो अब हम विप्लव देव सर के साथ हैं, चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा, वन ऑफ द यंगेस्ट सीएम, और उनसे आज नाश्ते के समय हम जरूर बात करेंगे. थोड़ा डिस्टर्ब भी करेंगे सर को आज ब्रेकफास्ट के टाइम पर. तो सर आप फिटनेस को लेके आप लोग बहुत कहते हैं ना कि आप जिम इंस्ट्रक्टर, ये वो फिटनेस भी आपकी वैसे है. जिम इंस्ट्रक्टर नहीं जाऊँ, अभी भी एक्सरसाइज ही कर रहा था, मैं देख रहा था आप लोगों को. अच्छा, ऊपर में करता हूँ. हाँ हाँ, छुट रहे अब तो जिम में वो नहीं कर सकता, वेट नहीं उठाता क्योंकि वो पहले उठाता था. अब तो पुशअप करता हूँ और ट्रेडमिल में पहले रनिंग करता हूँ क्योंकि बॉडी को वार्म. आपने वो इंडियन टुडे कॉन्क्लेव में राहुल कमल को भी हराया था पुशअप टाइम में? राहुल ऐसा नहीं, राहुल कर सकता है क्योंकि उसका प्रैक्टिस नहीं है. बेसिकली प्रैक्टिस हो तो कर सकता है. मैं पर क्या हो गया था किसने किसने कंपटीशन करवा? वो राहुल सडनली बोला आप तो फिटनेस में वो है तो आप दिखाइए पुशअप करके. हम बोले आप भी करो सर. अच्छा, तो वो राहुल को स्वाभाविक प्रैक्टिस नहीं है इसलिए उतना नहीं कर पाया. हमारा प्रैक्टिस इसलिए कर कितने पुशअप सर? एक साथ 45. और राहुल जी कितने पे डाउन? राहुल तो हम बोलो 25 में नहीं डाउन था, ठीक तरह कर भी नहीं पा रहा. राहुल जी को आपने बताया ना कि आप प्रदूषण की आवाज़ लेते हैं, मैं दूसरा की आवाज़ लेता हूँ. राहुल ने वो किया है. तो फिटनेस का शौक है काफी अभी. अच्छा, पहले तो मैं जरूर पूछूंगा प्री सीएम एरा और पोस्ट सीएम एरा में आपके फिटनेस पर क्या फर्क है? उतना टाइम दे पाते हैं कि फिटनेस को लेता पहले नहीं दे पा? उस समय तो एक टाइमिंग था, दिल्ली में रहता था, स्वाभिकरण से दिल्ली के लाइफ रात में शुरू होती है. जिस गलियारे में मैं था तो इसलिए मैं उस वहाँ से बचने के लिए मैंने एक तो मेरे वो शौक तो था ही, साथ साथ में पहले मॉर्निंग में जाता, बाद में हमने शिफ्ट कर दिया शाम को. अच्छा, तो कोई फ़ोन करता देव कहाँ है? तो जिम में है. 9 बजे टाइम भी ऐसा टाइम 8:30-9 बजे का सो जाता था, तो आता है तो 10 बज जाता था. तो आके टाइम बच जाता था. फायदा तो हुआ है. अच्छा, मैं आपसे जरूर जाना को कितना नहीं देता मेरे इसमें सभी. मैं अकेला मैं ऐसा व्यक्ति हूँ ऐसा नहीं, सभी पॉलिटिशियन कोई भी सीएम को व्यस्तता रहता है और परिवार को समय नहीं देता, ये तो सच है. और पहले लड़ाई झगड़ा होती है सभी घर में क्योंकि पहले पति है उसके बाद सीएम है. हाँ, सही बात है. बाद में सीएम बना तो उनका हक है, तो बाद में धीरे धीरे सब लोग वास्तव को समझ जाता है. मेरे पत्नी भी समझ गए, मेरे बच्चे भी समझ गए. जो पापा के साथ हमसे पापा के साथ हम नहीं घूम सकते, उनके लिए घूमने के लिए बैठेंगे तो कभी निकाल ही नहीं पाएंगे. अच्छा,
तो उनको समझ में आ जाए आ गया दायित्व को समझता है। अच्छा फैमिली में कौन कौन है और कौन बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है शुरू से पॉलिटिकल कैरियर? फैमिली में पत्नी तो रहा ही, पत्नी के बिना आप नहीं कर सकते। मैं दिल्ली से पत्नी को छोड़ के यहाँ बैठा रहूँगा तो कैसे माना, पत्नी तो है ही। और बाकी संघ के एक सत्य हमारे अखिल भारतीय सहसा कारवा और कुछ बाल्यकाल से मैं संघ सेवक था तो मैं यहाँ नाम नहीं बता सकता हूँ। तो ऐसे तीन चार प्रचारक हैं जिन्होंने मैं ठीक रहूं सही दिशा में चलो चिंता करता था, उसका लाभ हमको जीवन में मिली है। सर्वपुरी अमित भाई के साथ संपर्क हुआ, अमित भाई को मैं पहले से नहीं जानता था, गुजरात पॉलिटिक्स में ज़्यादा रहते हैं। अमित भाई से मिलने के बाद अच्छा लगा, पहली बार हमको बुलाया था, बातचीत हुई थी, लंबी बात हुई त्रिपुरा गवर्नमेंट में क्या सोचता हूँ उसके बारे में लिखित रूप से कुछ उन्होंने लिया, उनके मन में उसी समय मैंने देख लिया था, तय कर चुका था उनको भेजेंगे, तो बाद में उन्होंने भेजा त्रिपुरा में। और सभी समय उनका सपोर्ट हमको रहा, मैं आज भी याद है मेरा जन्मदिन हो मैं उनको फ़ोन किया भाई साहब मेरा जन्मदिन है, तो उस समय आज से तीन साल साढ़े तीन साल के बाद मैं एक थोड़ा सा बचपना तो था तो इतना खुश होके इतना प्यार करता था, एक एक चीज़ में बोलता था। तो सभी समय रात डेढ़ बजे भी मैंने अमित भाई को फ़ोन किया तो उनका फ़ोन आया था। अच्छा। आज मेरे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया, उसके बाद सीएम बनाया, तो अजय जम्बल जी है, हेमंत विश्व शर्मा है, वो तो राणा कृष्ण को भी नॉर्थ ईस्ट में हार मना देता है। अच्छा। तो ऐसे लोग सब एक साथ जुड़े हुए थे, अकेला किसी के बस की बात नहीं ऐसा करना, किंतु सर्वोपरि अमित भाई का बहुत सपोर्ट रहा है। बरुण मैं आज सीएम बनने के बाद फ़ोन करता हूँ तो हो सकता है दो दिन बाद आया, किंतु उस समय जब मैं काम करना सीख रहा था उस समय उनको पता था ये नया है, आज मेरे महसूस होता है। इसलिए तो साया उसी का मानते हैं जो ज़रूरत के समय पर काम है। बिल्कुल, तो उनको पता है कि आप सीएम हैं तो ज़रूरत के समय ज़रूरत को उन्होंने सिखाया, तरीका तो उनसे मैं सीखा कैसे बात करना कैसे हैंडल करना। मेरे को कभी कभी टोकता भी था, मेरे साथ किसी हेलीकॉप्टर चौपाल में मैं कहीं जा रहा था, मैं कुछ बोल रहा था कार्यकर्ता, वहाँ कुछ नहीं बोले चौपाल में बैठने ऐसा नहीं ऐसा। अच्छा, क्योंकि मेरा तो पॉलिटिक्स में यहाँ तो गुरु नहीं है ना। हाँ, सही बात, यहाँ भाजपा का मेरे को सिखा यहाँ ऐसा व्यक्ति थी नहीं, तो मैं कहाँ से सीखूँगा। अच्छा, बचपन से कभी प्लानिंग थी कि मैं बड़े होकर पॉलिटिशियन? नहीं, ऐसा कोई ड्रीम था नहीं, कभी नहीं। तो दिल्ली क्या सोच के पहुंचे थे कि दिल्ली? मैं 98 में इसलिए चला गया था, यह कम्युनिस्ट की सरकार है, मेरे परिवार में पिताजी जनसंगीत है, मेरे पिताजी एकदम शुरू से 1967 से जनसंगीत है, उसके बाद भाजपा बनी। तब तो ढूंढ के मिलते थे? नहीं, यह आठ दस था। अच्छा। उसमें से अच्छा। तो वो संस्कार था हमको परिवार से मिल ही गया था, और जनसंघ होने के कारण संघ के साथ नाता जुड़ना तो स्वाभाविक है। वो स्वाभाविक है, और पॉलिटिक्स के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए था। अच्छा। हम लोग यहाँ बहुत अर्थवान परिवार से नहीं है, गरीब ग्राम परिवार, गरीब परिवार से है, तो गरीब होना कोई जुल्म नहीं है, वो कुछ नहीं है। हमारे जैसे गरीब सीएम बन सकता है तो गरीब होना अच्छा है, मन से गरीब नहीं होना चाहिए, धन से कम हो कोई बात नहीं, जीवन में कहीं ना कहीं उसमें आ ही जाता है। मेरा इच्छा था नौकरी करो, कुछ करो, परिवार को संभालो, तो यहाँ मैं इतना 6 फुट 3 इंच होने के बाद भी हमको ये सब नोट करेंगे, 6 फुट 3 इंच है। साब इंस्पेक्टर का नौकरी के लिए मैं सोचता था। अच्छा। किंतु मैं जानता था यहाँ कैडर के बिना नहीं देगा। अच्छा। नहीं देगा, इम्पॉसिबल, टिक भी जाओ तब भी नहीं देगा। अच्छा। इसलिए इतना बुरा हाल था पहले यहाँ पे, इनके कैडर के बिना किसी को नौकरी नहीं देगा, तो तय था। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट में लास्ट टाइम हमने 10,323 टीचरों का नौकरी को खारिज कर दिया। अच्छा। इनके तो देने कोई रोल नहीं, कुछ नहीं है, पिक एंड चूज। तो ये तो टेट के माध्यम से सिस्टम जब चालू हो गया था उसको भी उन्होंने इग्नोर कर दिया, जो कि नौकरी तलाश करने के लिए गए थे। और ऐसे ऐसे नहीं गए, और संघ के
माध्यम से गया, मैं समझू के हमारे जो प्रांत प्रचारक उन्होंने ही हमको भेजा है। मैं अपने डिसिप्लिन के बाहर कभी जीवन को रखा नहीं। हमारे एक क्षेत्रीय सह शारीरिक प्रमुख नागपुर में बीजेपी के तब की जनरल सेक्रेटरी गोविंदाचार्य जिसे अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में उनसे मुलाकात हो गया, तो उन्होंने बोला जो एक त्रिपुरा का लड़का है विप्लव झंडे पालन में है, नौकरी के तलाश में है, उसको कोई मदद कर पाओ तो कर। तो बाद में गोविंद जी ने हमको बुला के संग कर ले बात की। मैं कुछ दिन रहा उनके पास, 8-9 महीने, एक साल का आसपास था। और उसके बाद भाजपा का सरकार बनी सेकंड अटल जी का 99 अक्टूबर में, जो 99 में, तो उसमें धनबाद से एमपी हुआ करते थे रीता वर्मा जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके साथ में चला गया पर्सनल स्टाफ में। अच्छा, क्योंकि हमको रोजगार चाहिए था तो आप उनके साथ पर्सनल स्टाफ में रहे। हाँ, क्योंकि हमको नेता नहीं बनना था तब तो उधर रहता। सही बात। तो इसलिए हम इधर आ गए। तब लड़ाई ब्रेड एंड बटर की। हाँ नहीं, हमको तो रोजगार चाहिए तो इसलिए मैं वहाँ आ गया था। और उसके बाद चलता रहा उसी सेक्टर में रहा। और 2015 में मैं त्रिपुरा में राजनीति में आया। चलो, पॉलिटिकल सवाल पर आने से पहले, क्योंकि आज हमारे पास नंबर है, पॉलिटिकल सवाल तो मैं आपसे बहुत करने वाला हूँ, पर्सनल लाइफ पर कुछ सवाल रहेंगे आपसे। शादी का विचार कब रहा? क्योंकि संघ की दृष्टि में तो लोग शादी बहुत डिले कर देते हैं, मोस्टली आधे से ज़्यादा प्रचारक अनमैरिड ही है, प्रचारक ही अनमैरिड है मेरे ख्याल से। आपका विचार नहीं रहा कि पूरा समय संगठन को दें, या कब शादी का विचार आया? मतलब एक समय में विस्तारक था। अच्छा, त्रिपुरा में था, विस्तारक था, उस समय शादी का विचार तो आता ही नहीं। हाँ, तो हमने गोविंद जी के साथ रहते हुए दिल्ली में, मैंने उनको पूछा था, बोले आपने शादी क्यों नहीं की? तो बोले जब शादी का एज था तब तो संघ में काम कर रहा था। हाँ, तो समझ में ही नहीं आया शादी करना चाहिए। और शादी का जब मेरे इच्छा हुआ, अब एज साथ नहीं है, तो उन्होंने मेरे को हाँ, और 11 अशोक रोड के उधर पीछे वाले रास्ते में अंधरा भवन होती है, वहाँ खाने के लिए इनके साथ हम जाया करते थे। तो उसी में आते समय गाड़ी में हमको बोल रहा था, यार तुम जरूर शादी करना है। हाँ, क्योंकि ये तो हम बोले कि आपको क्या दुख हो रहा है क्या अभी? हाँ। तो बोले नहीं, दुख हो रहा है नहीं रहा है, कि जो मेरा एहसास हम बता रहे हैं। हाँ। संघ में टाइम दो, 5-6 साल, मान लिया जो हमने जीवन भर प्रचारक हो ही जाएंगे तब। हाँ, तो ठान लो, ठीक है, बाद में किंतु परंतु मन में कहीं भी रहता है, तो 2-4-5 साल राष्ट्र के लिए दे दो और उसके बाद जरूर शादी करो। अच्छा, तो मैं उनके चार जन खुद ही सलाह दिया, तो उनके दुख को समझ में आ गया था मेरे को। अच्छा, शिक्षण संघ में कौन सा आपका? हमने प्रथम वर्ष शिक्षा किया था, द्वितीय वर्ष नहीं किया था। अच्छा, नहीं कर पाया था, प्रथम वर्ष हुआ था। प्रथम वर्ष का एक्सपीरियंस कैसा था? वो तो कुछ तो दुखद होता है, क्योंकि उसमें ये मैं उनके लिए पूछता हूँ, नहीं पता है, जो सोचते कि नहीं आ रहे हैं इतना नहीं, बहुत इतना सीधा नहीं। हमने सुबह जो प्रांत प्रचारक ने हमको भेजा था दिल्ली, गरीशंकर चक्रवर्ती, इन्होंने कड़क मजाज के ऐसे रहता था, क्योंकि बहुत दिल से बहुत प्यारा। हाँ, हमको बेटे जैसा ही देखता है आज भी। तो मैंने इतना शारीरिक रहता है, 4 बजे उठा देगा, एक उछल देगा, सर्दी के समय और हाफलंग में हो रहा है इतना सर्दी, तो हमको लोग 8-9 दिन के बाद ये हुआ था। पहले पहले तो बहुत जोश रहता है, तो हमारा बहुत बड़ी बहुत दर्द हो रहा था, तो मैं उठा, विचार देने को उठा, उठ के दोबारा इधर घूम के आके सब लोग चले गए, जाके दोबारा रजा के नीचे सो गए। तो वो ढूंढते हुए आया, आके मिल गया, तो उठा के लेके गया, बोला आप यहाँ 10 चक्कर लगाओ इस फील्ड में, उसके बाद हाफलंग का सरस्वती शिशु मंदिर इतना ऊपर है, बोले वो मार्केट में नीचे जाओगे दोबारा दौड़ के ऊपर उठाओगे, इतना समय का। अच्छा, ठीक है, चक्कर लगाया, वो चला,
नीचे उतरते समय ठीक है चलो, ऊपर इतना 3 किलोमीटर आप सीधा ऊपर उठना मैं जीवन में नहीं बोलूँगा, इतना इतना वो टाइम भी देख के बैठा हुआ है, नहीं तो डबल कराएगा। अच्छा, तो आया जैसे भी, उस समय लगता था ये आदमी कितना कठोर है। बाद में देखा मैंने, तब तो कम बात करता था हम लोग शिक्षार्थी हैं, बाद में देखा नहीं ऐसा नहीं, इन्होंने वो जो किया था अपने जीवन के लिए अच्छा ही होगा। वो टीचिंग्स बाद में काम, तो सबके साथ बड़े कठिन एक्सपीरियंस। हाँ, ये सभी का होता है, जीवन तो ऐसा ही है। कितने दिन का रहता है प्रथम वर्ष? ये कुल मिला के 20 दिन के आसपास होता है। तो 8वें दिन के ब्रेकडाउन के बाद फिर नहीं टूटा, फिर पूरा किया? फिर पूरा किया, फिर पूरा का बहुत डर ही था ना। करेंगे तो उल्टा पड़ेगा, करेंगे तो उल्टा पड़ेगा, उल्टा पड़ेगा। अच्छा, भाभी से मुलाकात कब हुई शादी के जब बात चली? योर सीजन अरेंज मैरिज और लव मैरिज? लव का मैरिज, लव का मैरिज दिल्ली में। अच्छा, मुलाकात हुई और 2001 में, और 2001 में ही शादी हुई। 2001 में शादी, चट पर भी पड़ गए। अच्छा, कहाँ पर लगा थे इनसे? दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस एनेक्स में, स्टेट बैंक में एम्प्लॉई है। अच्छा, बैंकर, वहाँ मुलाकात हुई। बहुत ज़्यादा परिचय थे ऐसे, तो थी हो गया मुलाकात होने के बाद, एक दो बार बातचीत हुई, उसके बाद जो मेल मिलाप होता है। तो मैंने आपको बोला नहीं है मैं राजनीति वाले लोगों को पसंद नहीं करती? बोला है, बोला है। सभी बोलता है, बोले हमने आपको कैसे प्यार कर लिया हमको समझ में नहीं आने, तो इस क्षेत्र से लोगों को बहुत जल्दी, और उसके बाद आप संघ के साथ जुड़ा हुआ है, वो शादी शुदी तो करता नहीं। तो मेरे को आज भी याद है, शादी तय हो गया, उमा जी तब केंद्रीय मंत्री थी और मध्य प्रदेश में उनको भेजा जाएगा, डिप्यूटेशन मुख्यमंत्री थे। उमा जी को मैं शादी का डेट फिक्स होने के बाद रात को एक दिन पहले दीदी के पास मैं गया हूँ घर पर, तो संघ का आदमी है इस औरत इस लड़की का जीवन खत्म करेगा, कहाँ शादी कर रहा है। तो हमने बोले नहीं, वो उसने तो प्यार करके शादी कर रहा है। अच्छा, हमारे भी तो बोले ठीक है, उसको ठीक तरह रखना। तो संघ के प्रचारक के बारे में ऐसा माना जाता है नहीं करेंगे, तो नहीं करता है संघ के, मैं तो प्रचारक रहा नहीं, और स्वयं सेवक शादी नहीं करता ऐसा तो है नहीं, करता तब भी एक जब लोग घर से निकाल जाता है लोग मानता है भाई नहीं करेगा, किंतु महाराष्ट्र में ऐसा है। परिवार वालों को तो लगता है कि संघ के बाद चले गए आप, ये शादी नहीं करेंगे? नहीं, मेरे माता जी, मैं एक भाई हूँ, मेरे माता जी कभी भी संघ के प्रचारक बने ये नहीं चाहते थे। संघ में रहे, विस्तारक रहे, कारोबार रहे, व्यवस्था में रहे, किंतु प्रचारक बन जाए वो कभी नहीं चाहते। शादी के विषय नहीं, एक्चुअली वो बेटे को खो देगा, नज़दीक नहीं मिलेगा, मैं कि हूँ तो उनको साथ तो कोई रहे। अल्टीमेट में मेरे माँ ने तो साथ रख नहीं पाया, हम तो दिल्ली चले गए थे, अभी घुमा के अब आ गए, अभी माँ रहती थी। तो अभी सीएम बनने के बाद जीवन में डिफरेंस दोस्तों से उतना मिल पाते हैं? दोस्त जैसे पहले दोस्तों से मिलते थे, नहीं ऐसे भी त्रिपुरा में मैंने पर्टिकुलर किसी को दोस्त, सेकंड पारी जब खेलने के लिए आया कॉलेज लाइफ में, स्कूल में तो होगा ही, सब लोग है ही है, तो राजनीति में जब आया हूँ तो मैं दोस्त नहीं बनाया, क्योंकि दोस्त जब बनते हैं ना एक दो तो दुश्मन बाकी बनता है। इसीलिए आप जो मोदी जी का मंत्र बहुत अच्छा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विश्वास, इसलिए मैं आज आपके साथ अच्छा बातचीत कर रहा हूँ तो कल दूसरे के साथ भी, किसी को लगना नहीं चाहिए मैं उनका हूँ, और जिस दिन लग जाएगा, मैं संगठन का भी काम देखता हूँ, तब भी कभी कभी लोगों को लग जाता है जो प्रेसिडेंट उनको ज़्यादा चाहता है, उनको ज़्यादा चाहता है सरकार में, थोड़ा बहुत हो ही जाता है, जिसके साथ आप ज़्यादा उठने बैठेंगे उसके साथ बात कर, तो मैं कोशिश करता हूँ किसी का एक व्यक्ति व दो व्यक्ति का ना हो, सबका होके काम कर पाऊँ, संगठन में भी है सरकार में भी। सही। अब अपनी हम पहली दिन की बातचीत पर यही खत्म करेंगे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था हमारा सीएम विप्लव देव जी के साथ, दिन भर आज हम इनके साथ हैं, इन्हें थोड़ा परेशान भी करेंगे, सवाल भी कुछ झड़ी रहेगी, रास्ते में चलते हुए हम आपसे कुछ पॉलिटिकल सवाल और आपसे वहाँ पहुँचने के बाद अपनी जाने के बारे में पूछेंगे।
आज कुछ कुछ चीज़ें आप हमें एक्सप्लेन ऐसी करेंगे जो शायद आपने किसी को ना बताई हो। और आपके सुबह के ब्रेकफास्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू, चाय बहुत अच्छी थी सर। आप मुझे लगता है नाश्ता फिनिश कीजिए, तब तक हम अपना कैमरा ऑन करते हैं और आगे ही देखते हैं।